और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम सबको बताए। स्पेस आईडी, बिलर एयरड्रॉप, साइबर कनेक्ट, सब यहाँ पे पॉइंट बेसिस पे एयरड्रॉप दे रहे हैं। डीमेल ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि यहाँ पे डीमेल जो भी यूज कर रहा है वो यहाँ पे स्टार्कनेट पे करो। डुअल एयरड्रॉप की ईमेल किया और इन्होंने बता भी दिया है कि नीचे चांस गेट टू एसटीआर के ऑफिशियली यहाँ पे एयरड्रॉप। एंड यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बताई, यूजर कैन मिंट यूनिक डीमेल एनएफटी अकाउंट। और ये चीज आज नहीं, 2 मार्च को मैंने 2 वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा इसके बारे में बताया था। 100% तो नहीं, बट कम से कम यहाँ पे 40-50% ही लोगों ने इसको किया होगा। और फाइनली इनके ऑफिशियली अकाउंट से अनाउंसमेंट आ गया। और यहाँ पे आप ये चीज देखो कि डीमेल के खुद का भी टोकन आएगा और स्टार्कनेट भी मिलेगा। तभी इसने डुअल एयरड्रॉप की बात किया। और इन्वेस्टर देखो कुकॉइन गेट आईओ, मतलब जब भी इसका टोकन आएगा तो यहां पे गेट आईओ और यहां पे कुकॉइन पे लिस्ट होगा। आखिरी वीडियो आपको बना के बता दे रहा हूं कैसे ज्यादा से ज्यादा यहां पे आप बीएससी चेन, स्टार्कनेट दोनों पे ज्यादा पॉइंट अर्न करोगे। सबसे पहले जो मैंने नीचे लिंक आपको दिए टेलीग्राम पे, यहां पे डिस्क्रिप्शन में, आप यहां पे किस किस से, मेटामास से कर सकते हो, स्टार्कनेट से कर सकते हो, इथेरियम कंप्यूटर, सोलाना वॉलेट से, सही वॉलेट से, मानता से। तो मैं यहां पे स्टार्कनेट की अभी बात हुई है तो मैं स्टार्कनेट से करूंगा। बकाया यहां पे मेरे पास ब्राबोस वॉलेट भी है, अर्जेंटेक्स वॉलेट भी है और यहाँ पे मेरा मेटामास वॉलेट भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्कनेट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे दोनों वॉलेट आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ब्राबोस को सिलेक्ट करूंगा। ब्राबोस को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, अप्रूव पे क्लिक करूंगा, बिल्कुल भी सेम प्रोसेस सारे चेन के नेटवर्क पे रहेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस। उसके बाद ऐसा इस प्रकार से रिफ्रेश आएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं एक बार फिर से लॉग इन कर लेता हूँ। अब उसके बाद आपको इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको सेम ईमेल की तरह सारी चीज दिख जाएंगी। आपको अभी सबसे जो पहला टास्क है वो आपको करना है, जो कि इन्होंने ईमेल में बताया था कि यहाँ पे आप लोगों के लिए, ये देखो, मैं फ्री यूनिक डीमेल एनएफटी अकाउंट 8 से 11 डिजिट का वो यहाँ पे क्लेम करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पॉइंट वाला दिखाऊं। ये जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना पॉइंट का, यही पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पे एयरड्रॉप मिलने वाला है डीमेल में, डीमेल के टोकन और एसटीआर के एयरड्रॉप। जैसे कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट यूज हो रहा है ना, कि स्टार्कनेट को यूज करते हुए हम यहाँ पे मैसेजिंग सर्विस को यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे पॉइंट आप देखो कई तरीका से अर्न कर सकते हो। किसी को ईमेल करोगे बीएनबी चेन पे तो 30 पॉइंट, जेट के सिंह पे करोगे 100 पॉइंट, या स्टार्कनेट पे करोगे 100 पॉइंट, और सेंड ईमेल सही चेन पे वेब थ्री यूजर पे, तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पे इंस्टेंट आपको अभी सारा कुछ करके दिखा दूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फ्री एनएफटी क्लेम करनी है। यहाँ पे आपको अपने एड्रेस पे इस पे क्लिक करना, नीचे आपको एनएफटी डोमेन का ऑप्शन आ जाएगा। बाइंड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनएफटी अनबाउंड का, तो गेट इट पे क्लिक कर देना। गेट इट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि यहाँ पे 8 से 11 डिजिट की अगर चूज करते हो, ऊपर जो अवेलेबल है तो वो फ्री मिंट रहेगी, और यहाँ पे 4 से 7 नंबर की रखते हो तो यहाँ पे 9 पॉइंट मतलब $10 से लेके $199 तक लगेगा। मान लो यहाँ पे अगर बाइनेंस नाम का कोई डोमेन एलिजिबल है तो उसकी रेयरिटी कैसी हुई, हाई, तो वो यहाँ पे प्राइस उसका बढ़ जाएगा उस हिसाब से। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई एक डोमेन, तो यहाँ पे आपको कोई फ्री डोमेन सर्च कर लेना। मैं जैसे फ्री में सिग्नल सर्च करता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे मतलब अवेलेबल है, यहाँ पे इट्स अवेलेबल, ठीक है। और यहाँ पे लॉक टू बाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि पेमेंट 0, बिल्कुल 0। और सेम थिंग यहाँ पे मैं यहाँ पे P2E लैब्स सर्च करता हूँ, ये देखो सर्च करता हूँ, ये भी अवेलेबल है। मगर जब मैं लॉग वाई पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, ये यहाँ पे मेरा 7 डिजिट का है, ध्यान रखना साइड 7 डिजिट का। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको फीस, एंड नीचे आपको एक टाइमर भी दिख जाता है कि अगर पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे 10 मिनट था तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको करना है। कंफर्म पे क्लिक करोगे तो इसी वॉलेट से, बट यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेमेंट सिर्फ इथेरियम, बीएनबी चेन, पॉलीगोन पे और बीयूएसडी पे सपोर्टेड है, और यहाँ पे आईजीपी पे स्टार्कनेट से, और पेमेंट भी यहाँ पे बता देगा। ये मैं सिर्फ पेड वालों के लिए बता रहा हूँ, फ्री वाला तो एक ही क्लिक में डायरेक्ट आपका बस हो जाएगा, सिंपल सा। यहाँ पे इथेरियम चेन पे, बीएनबी चेन पे, पॉलीगोन, आईजीपी पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इथेरियम पर भी रहने दे रहा हूँ, और जैसे मैं क्लिक पे क्लिक करूंगा ना तो जो आपकी ब्राउजर में ना दूसरा वॉलेट होगा ही मेटामास्क का, तो आपको जैसे मैं यहाँ पे मेटामास्क पे क्लिक कर रहा हूँ, ये इथेरियम पे मैंने कर रहा हूँ ना, तो ये इथेरियम पे यहाँ पे कर देगा। तो मैं आपको ये पहले पेड वाला दिखाता हूँ, फिर मैं आपको फ्री वाला भी दिखाऊंगा। देखो इंस्टेंट मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और ये मैं स्टार्कनेट पे, मगर मैं पेमेंट दूसरे वॉलेट से कर रहा हूं, इस बात का सिर्फ ध्यान रखना। ये मेरा काम सारा कुछ यहां पे उसी पे ही हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई और ये मेरा डोमेन यहां पे अभी रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये देखो मेरा कंफर्मेशन हो रहा है नेटवर्क का, जैसे ये पेंडिंग कंफर्म होता है ये एनएफटी डोमेन मुझे इशू हो जाएगा, और ये देखो मुझे इशू हो चुका है। व्यू माय एनएफटी पे क्लिक करूंगा तो यहां पे मेरी एनएफटी दिख जाएगी कि यहां पे लिखा है अनबाउंड। अब आपको क्या करना है, देखो क्या बोलते हैं, अकाउंट पे क्लिक करना है, ये जो बाइंड का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो अनबाउंड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। आपको यहां पे क्लिक करना है, और किधर गया,
उसमें मत जाना क्योंकि हमने NFT बाई कर लिया। आपको जाना है नीचे यहाँ पे बाइंड पे, ठीक है। अब बाइंड पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके सामने क्या आता है अभी, ये देखो इन यूज लिख के आ गया ना। अब यहाँ पे ये NFT आपकी मतलब डोमेन बाई हो गया, बाउंड हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे शो भी होने लगेगा और यहाँ पे भी आपको दिखने लगेगा जो कि लिख के आ रहा था यहाँ पे हमको बाइंड करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे जैसे ये पॉइंट पे क्लिक करता हूँ मैं कि यहाँ पे अब हमको पॉइंट कैसे मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा है कि सेंड बाई ईमेल BNB चेन। तो मैं क्या काम करता हूँ, मेरा BNB चेन पे भी अकाउंट है, मैं यहाँ पे वहां से मुझे किसी को ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले क्या भेजना पड़ता है, मतलब क्या क्या करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले अपना BNB चेन वाला अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ जो मैंने मेटामास्क से किया है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप फ्री में डोमेन कैसे, वो तो मैंने बता ही दिया था, सिलेक्ट करके बस आपको पेमेंट करना था, ठीक है। ये देखो ये मेरा अकाउंट है जिसे हम ईमेल वगैरह करते रहते हैं और इसमें मेरे पॉइंट भी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। तो किसी को भी ईमेल भेजने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो जो आपने फ्री डोमेन अभी खरीदा है, एक उसकी मैं इस डोमेन को कर लेता हूँ, और एक जो प्रिंसिपल आईडी है ऑटोमेटिकली आपकी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पीछे से आप अपनी प्रिंसिपल आईडी किसी की भी, ये आपको मुझे ईमेल कर देना है या फिर अपने दोस्त को कर देना है। प्रिंसिपल आईडी ईमेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो आपको अब इस चीज़ को आपने कर लिया कॉपी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ स्टार्कनेट वाले अकाउंट पर और यहाँ पे मेरी ईमेल देखो, अभी मेरे पास कोई भी ईमेल नहीं है, अभी मैंने एक ट्राई किया था न्यू अकाउंट से यहाँ पे, तो ये मेरी 3/21 पे, ठीक है। अभी मेरा 4 बच चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं सबसे फर्स्ट ईमेल करके और यहाँ पे अपने पॉइंट इकट्ठे स्टार्ट करना चालू करूंगा, और ये आप पर डे कर सकते हो और इन्हीं पॉइंट से, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताई दिया मैंने ऑलरेडी आपको कि यहाँ पे पॉइंट बेसिस पे हर जगह भी एयर ड्रॉप मिल रहा है और इन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है। तो सबसे पहला ईमेल भेजने के लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे ये कंपोज का ऑप्शन दिख रहा है, कंपोज पे क्लिक करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप अपना उस दोस्त की या फिर मेरी ईमेल आईडी लोगे, डीमेल वाली, ये ली ईमेल आईडी। अब यहाँ पे मांग रहा है प्रिंसिपल आईडी जो कि ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ प्रिंसिपल आईडी डाल देता हूँ, ये मैंने डाली प्रिंसिपल आईडी। अब ये सब्जेक्ट में आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट, मतलब आपको तो जैसे ईमेल करना है तो यहाँ पे कुछ भी एक टैग देना है सब्जेक्ट में, और यहाँ पे नीचे कुछ भी टाइप कर देता हूँ जैसे ईमेल में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो मैं लिख रहा हूँ कि हेलो महेंद्र कैसे हो। अब मैं यहाँ से ईमेल सेंड करता हूँ और ये मेरे कन्फर्मेशन जाएगा, मतलब साइन इन का मैसेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मेरा ट्रांजैक्शन कन्फर्म होगा, अभी यहाँ पे देखो पॉइंट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिख के भी आ जाएगा कि आपने ईमेल आईडी सेंड कर दी है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये ईमेल चला गया, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपने सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे नीचे लिख के आ जाएगा कि सक्सीड, ठीक है, आ गया ना। और यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये देखो 110 पॉइंट मुझे यहाँ पे आज के मिल चुके हैं, यहाँ पे जो आज का टास्क था। यहाँ पे मैं BNB वाला अपना अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि ईमेल आया या नहीं आया। ये देखो अभी यहाँ पे ये ईमेल आया है, इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसके ऑप्शन पे ईमेल पे क्लिक किया और ये देखो मैंने लिखा था ना हेलो महेंद्र कैसे हो। और यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि भाई तूने फ्री वाला नहीं बताया, बट यहाँ पे ऑलरेडी कर तो लेंगे लोग। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कोई बड़ा सा 11 नंबर का, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 11 डिजिट का है, बिल्कुल फ्री है, स्टार्कनेट नेटवर्क पे है। और यहाँ पे जैसे कंफर्म पे क्लिक करोगे ना, कोई भी फीस नहीं लगेगी इसकी आपको, और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करोगे और ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ये डोमेन आपका हो जाएगा। और जो डोमेन आपने दो खरीदे हैं ना अभी, जैसे एक तो भाई किया है और एक तो फ्री वाला है, तो यहाँ पर सेल पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो माई ऑर्डर का ऑप्शन है ना, इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो जो दोनों NFT डोमेन आपने लिए वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। एक ही वाला पेड वाला है और एक ही वाला फ्री वाला है, ट्रांजेक्शन ऐड ये है, NFT का नंबर वगैरह ये है, ठीक है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, और इसका एयर ड्रॉप का भी इन्होंने हिंट दे दिया है, तो बिल्कुल भी इसको आपको मिस नहीं करना है। फ्री वाला तो बिल्कुल भी मत करना, स्टार्कनेट वॉलेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे BNB चेन से भी बिल्कुल सेम कर सकते हो, ओके।